अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू के पराठे। मेरी मम्मी बहुत मज़े के बनाती हैं, तो मैंने आज उनकी, मुझे याद आ रही थी तो मैंने कहा चले आज उनकी याद में हम आलू के पराठे बनाते हैं। तो हमने आलूओं को बॉयल कर लिया था और इसमें हमने जो है नमक, मिर्च, हल्दी, अपने जो घर के मसाले से वही ऐड किए हैं, ज़्यादा कोई नहीं डाले। तो आपने सारे मसाले जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो अदद मैंने जो हरी मिर्ची है वो बारीक चॉप करके डाली हैं, और मैंने एक प्याज लिया है उसको मैंने जो है ना तवे में ना हल्का हल्का सेक लिया, उसका पानी को ड्राई किया है ताकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक थोड़ा सा डाल दिया है। तो आपने अपने मसाले जो है ना अपने अकॉर्डिंग डालने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अनारदाना डालना है। आपने कभी बाहर के देखे होंगे कि वहाँ पे सिर्फ जो है ना प्याज डाले होते हैं और इतने मज़े के उनके आलू के पराठे होते हैं बाजारी। तो आज मैंने सेम जो है ना बाजार जैसे बनाया। मैंने इसमें कोई धनिया नहीं डाला, कोई पुदीना नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे ना बाजार जैसे चाहिए। तो मैंने कहा चले भी आज बाजार जैसे ही ट्राई करते हैं। और यकीन माने इतने टेस्टी बने थे, तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इस तरीके से। और मैंने ये ना दो छोटे छोटे पेरे करके ना रोटी को बनाया था। इस तरह बहुत आसान से बनते हैं, जिनसे नहीं ना बनती रोटियां आलू वाली। तो वो छोटे छोटे इस तरह पेरे बना के ना अंदर स्टफिंग डालें और इस तरह रोटी तैयार करें। माशाल्लाह कितनी अच्छी और खूबसूरत लग रही है, और सर्दियों में तो ये बहुत मज़ा आता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।